उठा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। नहीं जानदा सियाल कोटियां दी हिस्ट्री, नहीं जानदा ओ गोरे बिचले तू मिस्ट्री। जदों टुटे की तड़क नहीं रहन कोई शक, जा जा वटिया नू फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, तुम्हारा पराठा मैं नहीं बनाऊंगा। बना के दिखा दो कोई बात। ठीक है ले जाओ, मुझे क्या है, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। तुम इसका कर लेते मुझे दे। ओके इधर बस सही है, मैं इधर 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 मुड़, मैं चार पराठे बना के खाऊ अंदर चला जाऊंगा। ये क्या समझ में, नहीं मलिक है दोपहर की चाय के लिए है, मैं इसको रख रहा हूं कवर करके। ओके माही पास रखना, और तुम्हें कसम है कि तुम इसको दोपहर तक पास रखना। क्या लगता है कौन जाएगा आज? सच सच आई डोंट नो यार, फिर भी नो आईडिया, लिटरली ऑनेस्टली नो आईडिया। बट आई होप इट्स नॉट यू और माही, I really hope so. तुम्हें क्या लगता है? मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है मैं जा रहा हूँ। लगता क्या है सफा? रखे रे आटा, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सॉरी की बोलूँ? तुमने बोला चलो निकलो। हाँ तो चलो निकलो। क्यों चलो निकलो? यार ये चलो निकलो 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 ये जलसों में भी बोलते हैं, चलो निकलो। नहीं मैं जलसों में इसीलिए नहीं जाती। साथ निकलो ये कह रहे हैं। मैं जलसों में इसीलिए नहीं जाती। चलो साथ निकलो माही के साथ। प्यार से बोलो मैं दे रही हूं। माही आगे आता नहीं चाहिए। I am telling you, इसको हमना का जुनैद का रहता सुन तो ले। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आनम कर रही है ना साइमा कर रही है, बस सही और क्या। तुम्हारा अरसलान का, अयाज का, और ये चौथा कौन है, ये नोमी, नोमी का, हमारे पूरे हो गए। प्लीज पास रखो। तुमने तो वैसे भी मेकअप रूम में कहा ना कि माही दानिया, माही दानिया अरसलान। मैंने दानिया का नाम तो लिया था, मैंने नो कसम से दानिया का नाम नहीं लिया, आई स्वेट गॉड, माही दानिया का नाम नहीं लिया था मैंने। आई सेड के अगर उसी बात पे तो दानिया ने भी कहा कि मुझे भी ऑफेंड होना चाहिए फिर तो, और फिर वजीहा कल मुझे इस बात पे लड़ रही थी के मतलब मैं तुम्हारी यहाँ पे क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे लगा यू आर वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स इन हियर, तुमने मेरा नाम ले लिया और अरसलान रकील कर लिया। ये बात तो सही है ना, इस बात पे वो भी लड़ रही थी मुझसे, बट शी इज नॉट लाइक अ क्लोज फ्रेंड ओवर हियर, यू आर नो, तो तुम्हारा बनता है। दराज के पास पड़ी होगी यार, ये इसका नहीं है। अरसलान ये रख दो, मुझे उससे बात नहीं करनी है, दे दो उसको। क्या चल रहा है तुम दोनों का? सुबह कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं खुद ही आई डोंट नो, ये जबरदस्ती की मोहब्बत क्यों चलाई जा रही है मेरे साथ? मैं दिलों के हाल जब जानती हूँ उनके दिल में क्या है, जबरदस्ती की मोहब्बत जताई जा रही है ना, आई डोंट वांट टू टॉक, दिस इज फेक। लिटरली फेक। इतना तो हमें तजर्बा है कि कौन दिल से कर रहा है, कौन दिखावे के लिए कर रहा है, कौन कैमरे के लिए कर रहा है। असा किटाडू मजो आयो। क्या हो गया, बात हो, तुम लोग कहाँ से कहाँ पकड़ लेते हो भाई? तू ना पकड़े भाई, पकड़ेंगे तो फिर पकड़ो। हाँ तो हम भी पकड़ा ना बात को, हम भी पकड़ा, अगर हम इसे पकड़ने लग पड़े तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आज पकड़। लड़कियों से तमीज नहीं बात करने की। तमीज है लड़कियों से बात करने की माही बलोच, कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया,
डोंट से दिस के लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, हमें बहुत अच्छे से तमीज है, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से तमीज है, आपको ये नहीं पता कि आपको आप कंफ्यूज हैं जिंदगी में, आपको हम आपा कहें आप गुस्सा हो जाती हैं, आपको हम दोस्त कहें कभी कहती है मुझे तुम करके बुलाओ, कभी कहती है आप करें, हमें बहुत अच्छी तमीज है, तमीज की जो डेफिनेशन है ना वो गड़बड़ाई हुई है। अच्छा, कब आपको हमने डिसरिस्पेक्ट किया है? आपको मैंने आपको बोल के कहा था इनको, आप ना कहें, कभी आप कहती तुम मेरे दोस्त हो, कभी कहते हो तुम मेरे भाई हो, कभी दोस्त हो तो अरे तुम्हें क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है नुमान, तुम मेरे दोस्त नहीं हो ना, क्या बोला है, बाउंड्रीज होती है, कुछ चीज होती है, क्या हमने कहा है तुम्हें, या मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, क्या लगा कहे तुम्हें, कहे क्या तुम्हें, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, ना लगो, तुम सुबह से खुद जो है परेशान घूम रही हो, बात क्या हो ये तुम लेके घूम रही हो भाई, सबको देखो मेरी बात सुनो, आपा जी कहो सबको इज्जत दो। अकील की सबसे बड़ी गंदी बात है, अकील दोगला है। अभी तो तुमने बोला कि बजी थी, अब तुम कह रही हो उन्होंने नहीं बजाई, नहीं मेरे हिलने से बजी है वो, तुम खुद, तुमने, मैं ही तो बता रहा हूँ गलती कहाँ और कब बजी है मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, बोले जा रही हो, बोले जा रही हो कैमरे में, बोले जा रही हो, हम लोग इधर खड़े हैं, तुम बोले जा रही हो, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी तुमने उठा के, तुम बोले जा रही हो, मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट तो हूँ नहीं, तो खामोश हो जाती ना जब ऐसा वक्त है तो, खामोश होता है इंसान, बोलता थोड़ी रहता है, मुझे भी, मेरा भी इंसान है, मेरा भी रिएक्शन है, मैं हर वक्त तो रिएक्शन नहीं देती यार, मैं बहुत जगह चुप भी हो जाती हूँ यार, मुझे ना ये क्या करूँ, समझ नहीं आ रही, आप अभी खाली खाली राइस खा लो, खाली खाली राइस भी तो नहीं खाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खाने खाने के बाद प्लीज कन्फेशन रूम से वीगो टेल का मोबाइल लेकर आ जाइएगा, और जो लोग खतरे के घर में वो आगे होंगे एक सेल्फी ले लीजिएगा, ठीक है सर, तुम आगे आओ ना दानी, तुम आगे हो, दानी आगे नहीं हो यार, ये दानी को लो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आप देख रहे हैं पेंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल। आज वो दिन होता है जब तमाशा घर से कुछ लोग अपने घर जाते हैं, जी हाँ, अगर मैं कुछ लोग कह रहा हूँ तो इसका मकसद ये है और मतलब ये है कि आज दो लोग अपने घर वापस जाएंगे, आइए ये सरप्राइज इनको भी देता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक। हो क्या रहा है इस घर में? हो ये रहा है कि जब आप लोग सेफ होते हैं तो आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप नज़र ही नहीं आते, आपको ये समझ आ जाता है कि यार मैं सेफ हो गया हूँ तो ये हफ्ता तो गुजर जाएगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मगर फाइनल वीक में तो ऐसा नहीं होगा ना, फाइनल वीक में बिल्कुल पब्लिक उसी को वोट करेगी जिसको वो जिताना चाहते हैं, तो जिसके कम वोट होंगे वो तो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हो ये रहा है जो शुरू में बहुत अच्छा खेल रहे थे उनकी वोटिंग नीचे आ गई है, और जो बुरा खेल रहे थे उनकी वोटिंग ऊपर चली गई है, सबको अपनी जान माननी पड़ेगी क्योंकि अब ये आने वाले जो हफ्ते हैं ना ये तो और टफ होते जाएंगे, पूरा का पूरा फैसला आवाम के हाथों में होगा, वो जिसको जिताएं जिसको हराएं उनकी मर्जी, आज के बाद जितने लोग इस घर में हैं वो पूरी जान लगा दें, गेम में भी लगाएं और घर में भी लगाएं, जैसे मैं कहता हूं कि ट्विस्ट एंड टर्न आता ही रहता है इस घर में, आज एक नहीं दो लोग घर जाएंगे, अब वो कौन होंगे कुछ ही लम्हों में पता लग जाएगा। जय असलम, दो पौधे होंगे कन्फेशन रूम से ले आइए। तो आप लोग पांच लोग खतरे के घर में हैं, दानिया, माही, अनम, सायमा एंड जनेद, एक साथ मैं दोनों ही नाम ले लेता हूँ जो घर से बेघर हो रहे हैं।
आज हम सुबह यही बात कर रहे थे कि 50 दिन यहाँ पे कंप्लीट किए इन सबके साथ और फाइनली मैंने कुछ दोस्त बनाए. मैं टाइम लेती हूँ. एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ गुड गेम और आवाम ने मेरा बहुत साथ दिया. सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में मैं रही हूँ. बट या आई थिंक वो कभी जीतना भी देखना चाहते थे मुझे. बट इट्स ओके. आई विल सी यू ऑल इन फिनाले. और मुझे बादशाह सलामत ने मेरे घर पे भी मिलवा दिया था कल, तो आज मैं बहुत ही फुल हार्ट से हूँ यार. रहना चाहती भी थी, ऐसा नहीं, अब तो वाकई रहना चाहती हूँ बिकॉज ये जगह बहुत खूबसूरत है. और आपका यहाँ आना, चाहे आपकी डांट हो चाहे आपका प्यार हो, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है बादशाह सलामत. और हाँ, फिर जुनेद और मैं फिर खाना खाने कहाँ जा रहे हैं हम डिसाइड करते हैं. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ARY का, ARY की टीम का, फिर बादशाह सलामत आपका कि मैं इस तमाशा season 3 का पार्ट बनूँ. और बाकी मैं सच बताऊँ, मुझे दिल से बहुत खुशी है. और जितने भी लोग हैं तो समझ ले मैं आया था अकेला, लेकिन अब फैमिली बन के जा रहा हूँ सबके साथ. और जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो सारी मैं लेकर जा रहा हूँ. और नेगेटिव तो कुछ था ही नहीं मेरे लिए, तो सब बहुत अच्छे हैं. सब बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेलना है आप लोगों ने. सो प्लीज़ अपना अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिनाले में मिलेंगे. इससे पहले आप सब लोगों से मिलें, मैं दानिया आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. और बात दरअसल ये है कि पब्लिक ने ऐसा किया, आपको इस दफ़ा फिर चांस दे दिया. एंड माही, you really played well. But aap ja rahi hai. Thank you so much. No. I'm just so not ready for this. Kuch kahengi bhai? ARY ko dil se bahut shukriya karna hai. मेरी जर्नी में ARY का बहुत बड़ा हाथ है. मेरा पहला ड्रामा ऑन ARY पे हुआ था. मेरा एक रियलिटी शो मैंने उनके साथ किया, सेकंड रियलिटी शो मैंने उनके साथ किया है. एंड तमाशा इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये मुझे लगता है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को भी बताऊंगी कि मैं शो का पार्ट बनी थी. एंड यहाँ सब लोग बहुत प्यारे. मैं चाह के भी इनके पे गुस्सा करूँ तो उसके बाद मैं मना लेती हूँ उन लोगों को या इनसे सॉरी कर लेती हूँ. मुझे किसी से भी लड़ना पसंद नहीं था. And that's it, Pasha Salaman. I enjoyed being here. Same. आप सबसे मिलिए और इनको खुदा हाफिज़ कीजिए आप लोग मिलकर. ऑल द बेस्ट. थोड़ी देर में मैं दोबारा आऊँगा. थैंक यू सो मच. ठीक है. मैं आज जा रही हूँ. माफी दादा, माफी. Bro. Good, 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 good. बहुत अच्छा रखना. बहुत 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 ठीक है. आई लव यू टू. खेलो. चेक लेके आओ. लेकर आओ चेक. चल से. अपना भी देखना. रात ग्यारह के बाद. हेलो. क्या करूँ? कोई बात भी लगी तो मुझसे सॉरी. ठीक है. यार एक दो ही तो दोस्त है मेरे. क्यों? हम नहीं हैं. हम नहीं हैं क्या दोस्त? हम नहीं हैं. हम अभी भी सुबह दोस्त बने. हम सुबह दोस्त बने हैं ना. सिस्टर फॉर लाइफ. मेरा बच्चा. आई लव यू सो मच. आई लव यू माय लव. मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जान. तू जानो को ताना. मैं नहीं करती मुझे कोई बात नहीं ना हम ना. I'm gonna watch you.
कैमरे से जब बात, कौन सा गाना गाओगी मेरे लिए बताओ, गाना बताओ। रावा तक तक थक गई मैं। आई लव यू। अपना ख्याल रखना, तुमने बहुत ज्यादा अजयस का ख्याल रखना। I know I can't say it right now because obviously she's close to you. I'm going. Only you can. बाहर देखूंगी हर चीज, जाके देखूंगी। No worry, I'm gonna talk to your father also. Please talk. Name say. Name, hello name. रुमान भाई बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद मिलके। अयाज भाई। Love you मिर्यान। भाई मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, अपने भाई लेके जा रहा हूँ। भाई इतने सारे भाई। Yes. माशाल्लाह। घर जाके rest करनी है तूने। कोई दो तीन दिन तो बिल्कुल भूल जा, फोन जो बिल्कुल चल जी। आप अभी ख्याल रखो तुम अंदर अपने आप को संभालो। आज 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 सवारी छोड़ दो, छोड़ 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 हैदराबाद हैदराबाद चलो। अल्लाह हाफिज तमाशा। ओ भाई हट यहां से। अच्छा सपाही भेजे दो, दो सपाही भेजे जाए माही जी। याद है हम दोनों साथ रहते हैं अंदर। yes. अंदर आते को, ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों साथ। नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। जुनी तेरी बॉटल। मैं आगा तुम। ऑफिशियली अगला नंबर मेरा तो नहीं है। ऑफिशियली साइनिंग ऑफ। शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़ तमाशा। ये ले अल्लाह हाफिज़। आओ जी डब्ल्यू ग्यारह पानी पापा पानी पापा। विल मिस यू माही। विल मिस यू। विल मिस यू जुनी। विल मिस यू अ लॉट। I'm gonna miss you guys. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खूब लड़ना। माही किधर हो? अरे इसको भी ले जाओ यार, छोड़ गए इसको। इस टॉर्चर को तो इसको साथ लेके जाओ। इसको तो लेके जाओ। अरे जुनैद अकील को साथ लेके चले जाओ। चलो बीमार भाई। अकील को साथ लेके जाओ, अकील को छोड़ गए तुम लोग। बीमार बाकी सब खवार। अकील को साथ ले जाओ। बीमार बाकी नकली। एक खुशी भी है, गम भी है। खुशी ये है कि हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। गम ये है कि एक एलिमिनेशन और बाकी है, फिर एक एक फेज से दोबारा गुजरना पड़ेगा। सही है। I am so grateful that you are here. Imagine it was you and Dani together. You said it was you and Dani together. That's what you said. Last four boys standing. 50 दिनों में ऐसा लगता है अपना ही घर है, हम यहीं पता नहीं कितने सालों से यहीं पर रह रहे हैं। तो बाहर की सारी चीज़ें तकरीबन चेहरे आवाज़ें ब्लर हो चुका है, मेमोरीज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मुझे रजिस्टर करने में ना कल 2 मिनट लगे थे। तुम्हें भी तो यकीन आ रहा है वो चली गई है। जाना भी था दोनों को साथ, जाना था दोनों भाई बैठ के भी। और तुमने ये सोचा था कि तुम रह जाओगे? वो नहीं होंगे भाई, नेवर। अच्छा ये हफ्ता सबसे मुश्किल भी और सबसे आसान भी। मुश्किल इसलिए कि यहाँ से आपने फाइनल में जाना है। yes. आसान इसलिए जो सेफ है उनके लिए। हाँ नहीं हाँ। मुश्किल बता रहा हूँ उसके लिए कि आप, आपको ये टेंशन है कि यहाँ से आप फाइनल में पहुँचेंगे। आसान ये है कि अगर नहीं भी पहुँचे एक हफ्ते बाद फाइनल है। वो एक मुझे वो लगता है कि मिस आउट करने वाला इस हफ्ते निकलने का सबसे ज्यादा कम होगा। ऑल द वीक भाई। yes. इस हफ्ते में yes. निकलना इज लाइक बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ा गम। यस ये तो ये हो कि मंजिल बिल्कुल आपके सामने, ये मुश्किल ही है ये। और आप जो है वो पहुंच नहीं पाए। मेरे को नहीं जाना भाई, मेरे को सफाइयों की दे दो ड्यूटी। मैं इस घर को छोड़ के तभी जाऊंगा जब सारे बाहर जाएंगे। मैं ताला खुद लगाऊंगा, मेरे को नहीं जाना। ये खेल आपकी याददाश्त का भी इम्तिहान है और साथ ही इस घर से किस हद तक मानूस हो चुके हैं। साथ बकवास एक लफ्ज आया अभी। अभी बकवास बैठ कर रहे हैं, वो पॉइंट पॉइंट से कुछ नहीं। आई वुड अबाउट यू। तुम सारे बाहर बैठे हो। ये अंदर था और शायद अनम थी। पता नहीं अनम को लाला जो भी बकवास करता है। अयाज तुम्हें नहीं याद ना ये सब? यही प्रॉब्लम है इससे दोस्ती करने का। तुम याद भी नहीं दिला सकते उसको कहां है। मुझे नहीं याद ना, वो खुद गई वहां पे। डजंट रिमेंबर एनीथिंग एवर। वो भी था ना, तुम लोग लड़ते थे झगड़ते थे, बट यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर। शी डिड फॉर श्योर, बट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आई कैन नॉट बी लाइक पॉलिटिकल और मेरी जो मुंह पे हूँ डर 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 बस उसी की हद तक है।
तो कोई ऐसे बहुत जाके करता है बात मुंह पे तो मैं करती हूँ कुछ भी बोल लो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता अगला बंदा मुझसे नाराज़ होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे होता है कि बस जो बेहतर है पीछे बात करने से बेहतर है कि उस इंसान को खुद ही कह दो, क्योंकि पीठ पीछे करना इज मोर बैड, ज़्यादा बुरा। तुम्हें लगता था कि माँ ही मेरे से पहले जाएगी इस घर से? नहीं नहीं ना, तो घर में अब लोग कम होते जा रहे हैं, 9 लोग बचे। आप सब लोग खतरे के घर में हैं, और खतरे के घर में हैं तो राशन की क्या पोजीशन? दूध खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत चीनी है, आटा भी खत्म, आटा भी ऑलमोस्ट एंड है। तो फिर मैं मौका दे रहा हूँ, फिर कमाइए और कमा के फिर राशन लाइए और फिर पकाइए और खाइए और इस दफा मत गवाइएगा ये मुश्किल काम है। तो आज जो इम्तिहान है वो आपकी याददाश्त का है। ओ। कब किसको क्या कहा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ वो बात कही गई। या अल्लाह खैर, नहीं याद होता ऐसा कुछ भी। इस वक्त घर में 9 लोग बाकी हैं और आज का खेल ये फैसला करेगा कि आप पूरे हफ्ते के लिए कितना राशन कमा पाते हैं। ये खेल है लेमन मैक्स बार का, जो कम घुले ज़्यादा चले। खेल बहुत आसान है। जंगल जोन में इस वक्त पूरे घर का ब्लूप्रिंट मौजूद है। लाउंज में लगी स्क्रीन पर घर के किसी भी एक फर की तस्वीर आएगी और फिर इसे उसकी ही एक ऑडियो सुनाई जाएगी, जिसके साथ ही सायरन बज जाएगा, जिसके बाद घर के उस फर्द को ब्लूप्रिंट पर उसी जगह जाकर खड़ा होना है जहां उसने वो बात की थी। सायरन बजते ही हर खिलाड़ी के पास महदूद वक्त होगा जिसमें उसे उस जगह जाकर खड़ा होना होगा। ये खेल आपकी याददाश्त का भी इम्तिहान है और साथ ही उस चीज़ का भी कि इस घर में 50 दिन गुजारने के बाद आप इस घर से किस हद तक मानूस हो चुके हैं। हर सही निशानदेही पर आपको 40 पॉइंट दिए जाएंगे, जबकि गलत निशानदेही की सूरत में आपके हिस्से में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। यानी जितनी ज़्यादा दुरुस्त निशानदेही उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स और उतना ही ज़्यादा राशन। तो कैसा रहेगा कि अब ये देखें, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा एक एहसान किया है, अगर नहीं बूझोगे तो मैं माइनस भी कर सकता था सर। तो माइनस मार्किंग नहीं है, ये हमारे पूरे घर का ब्लूप्रिंट है और हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने ये फैसला करना है जो आपने बात कही है वो किस जगह पे कही है। तो एक वक्त होगा महदूद, उस महदूद वक्त के अंदर आपको उस जगह पे उस खाने में जाके खड़ा होना है कि ये बात फ़र्ज़ करें बिलफर्ज़ आपने मेकअप रूम में कही है तो आप वहाँ खड़े होंगे। लेट हो गए, टाइम निकल गया तो ज़ीरो। अच्छा, अब एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए कि आप अगर इधर हैं इस पूरे गार्डन एरिया में, आपने ये गार्डन एरिया में बात ज़रूर की होगी। अब ये झूले पे की है, इन सोफ़ों पे की है, इधर की है या जेल में की है, या इन सोफ़ों पे की है, या इधर कहीं बीच में खड़े होके की है, ये आपको एग्जैक्ट वहीं खड़ा होना होगा। 19-20 की गुंजाइश है ना? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मतलब मैंने एक बार 3 जगह की होती है जी। कुछ नहीं सर, कुछ तो अगर, है अगर हमने एक बात बहुत जगहों पे की है क्योंकि हम के करते हैं, एक बात होती है 3-3 जगह वो बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, हो गया। इस बार भी डोनेशन भी। थैंक यू। शायद इस बार भी डोनेशन। 400 पॉइंट है बस। 400 भी 350। सुनो, किसी और को याद आ जाए तो 40 देना ना। 50 भी दे ना। किसी और को, दूसरों की बात याद रहती है। अभी से बता दो भाई। सब ने किए एक दूसरे की, उसको छोड़ दो, बड़े बुरा होगा जी। अब खाने का मजा है। बात सुन अरसलान, हमने कोई बात की हो साथ बैठ कर तो याद दिला देना कहाँ की है। 9 लोग हैं, कितने होंगे भाई? अरसलान 9 लोग हैं, फंसेगा अकील। कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? 400, 350, 40 पॉइंट्स ना पर। हाँ तो हमारी भी बात की है। नहीं नहीं, बार बार भी आ सकता। अकील तू तो गयो। मैं तो हेल्प करूंगी यार, नोमी तेरी मेरी वहाँ बात। तू तो गयो। गेम है, इसके बाद बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली हैं क्योंकि राशन टास्क है। बात सुन, राशन आने दे, उसके बाद हम सुलह वाफी करेंगे। अभी तो जो होना होगा, अभी राशन कमा पहले।
यार देखो कोई मैंने बात बोली किसी को याद है तो तुम्हारी याद है हमें याद है बता देंगे अच्छी बात जो मेरे सामने की है वो याद है बता देंगे अगर तुम्हें मेरा नाम ले लेके अगर अब पता लगा वो बातें बताएंगे तुम एंटरटेन हो रहे थे उन लोगों से किए जो यहां है ही नहीं इसका मतलब है मैं इतना इंपॉर्टेंट था कि तुम लोगों ने मेरे बारे में डिस्कशन की ठीक है यू आर नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट वन इन माय लाइफ आई एम सॉरी ही इज इंपॉर्टेंट शी इज इंपॉर्टेंट या शी इज इंपॉर्टेंट उस वक्त चल रहे थे ही इज इंपॉर्टेंट ही मैंने सबकी बुराई हो गया था तो हमने आपको स्पेशल मत समझो गुड मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट इस गेम में नोमी को है क्यों कम बोलता क्योंकि नोमी कम बोलता है और कैलकुलेटेड बोलता है मुझे नोमी की दो तीन जुमले याद है इसने कहा बोले मेरे लिए सबसे मुश्किल वाले निकाल के देंगे मुझे खुद याद नहीं होगा 50 दिन का है भाई कहां याद रहेगा एग्जैक्टली मुझे क्या पता मैंने पहले दिन क्या बात की थी दूसरे दिन क्या की थी बहुत 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 मायूसी हुई है अरसलान खान से मिलके मैं हूं हर तरह से बाहर उसका डिमीनर द वे ही लुक्स द वे वो साइड से चलता हुआ जाता है जिस तरह वो स्मार्क करता है जिस तरह ही इज डिसरिस्पेक्टफुल औरतों के मुंह के आगे आई जस्ट डोंट लाइक हिम उसके है कुछ है कुछ डिसरिस्पेक्ट उसकी आई डू नॉट लाइक और मैं ये बड़ा क्लाउड एंड क्लियर करती हूँ चाहे बुरा लगे किसी को बट नो आई डू नॉट लाइक हिज एनर्जी मुझे उसका अपने इर्द गिर्द होना अच्छा नहीं लगता ये इसने गार्डन में कहा होगा आई एम श्योर नहीं गार्डन एरिया में नहीं है मुझे लग रहा है गार्डन था शायद तुम गार्डन में ज्यादा बोल मैं अंदर के अंदर से निकलते हुए बाहर गई थी एक तो मैंने ये भी बोला था कैमरे से बात कर रहे थे आप हां भाई एक ही जगह बैठे हो अल्लाह मेरा क्या दिखाई आप तो सोच इन साइड में मैं तो सब मुंह पे बोला है सबके ओह माय गॉड दिस इज फन क्या हो लाइक आई हैव स्पोकन अ लॉट टू द कैमरा व्हिच मींस लाइक आई हैव बीन लाइक सो फन एक बार मैंने बाहर जाके अकेले बात की थी वो तो उसी वक्त उन्होंने दिखा दिया भाई जुनैद और माही बहुत सही टाइम पर चले गए बहुत बहुत मायूसी हुई है अरसलान खान से मिलके हर तरह से रानिया ये तो मुझे पता था तुमने गार्डन तो तुम में बोल गार्डन में कहां जेल में बोलते तुम गर्ल्स रूम में क्यों बोलोगी ये मैं गर्ल्स रूम से एक दफा बोलती भी गई थी तुम्हारे लिए गर्ल्स रूम से बोला था और बाहर गई थी गुस्से में अकेले यही तो मेरा मसला है मैंने एक बार छह जगह की हुई है भाई उसको जेल में डाला था क्या किस वजह से वो जो पक पक करी थी हमें मेरे साथ यार याद नहीं जब जेल में डाला था हमारी सबसे पहले लड़ाई इससे क्या बात कर रहा है ऑनेस्टली मैंने तो बताया ये लड़के किसी के नहीं होते हाँ। ये लड़के कहते हैं कि हम लोग लड़कियां निकाल देंगे इससे ज्यादा मतलब हम लोग खेलने मैं तो वैसे किसी लड़के पे ट्रस्ट नहीं करता हां तो मैंने तो ऑनेस्टली मैंने तो ये बात मैंने उसी वक्त बोल दी थी मैंने उस पहली गेम के अंदर वो तीन पहले जब आगा और अरसलान थे ना तो मैं उतना वो नहीं थी फिर उन्होंने तीसरा लड़का किया मैंने कहा यार अब मुझे लग रहा है मेरा डिसीजन सही नहीं है इनकी टीम में आने का और उन्होंने वही किया था और अच्छी बात है जुनैद जीता उसके अंदर मुझे जुनैद का दर्द नहीं है मुझे अगर अरसलान जीत जाता ना तो मुझे बहुत दुख होता मुझे नहीं पता कहाँ पे आई एम सॉरी चलो अभी दिखा देंगे हाय डिड यू गेस नो आई डोंट नो क्या बात कर रहा है देखा मैंने क्या बोला था ऑनेस्टली मैंने तो बताया ये लड़के किसी के नहीं होते हाँ। ये लड़के कहते हैं कि हम लोग तो, लड़कियां निकाल देंगे इससे ज्यादा मतलब हम लोग खेल हां तो मैंने तो एंड इट्स स्टिल द सेम सारी लड़कियां मिलके मेरे पीछे पड़ी थी कहता है कि यार मैं तो एक क्योंकि हाकिम बनने का वो था ताश था तो मैंने एक जालिम हाकिम का रोल प्ले किया उसमें ये मैं हूँ तो मैं दिखाना चाह रहा था कि दुनिया में जालिम हाकिम भी होते हैं यहाँ पे यार अल्लाह के बंदे बादशाह सलामत ने जो टास्क ब्रीफ दी थी उसमें एहसास का वर्ड यूज़ किया था हाउस हेल्प के साथ हम किस तरह रवैया लगते हैं वो बताया था मुझे याद नहीं है आप अपनी गलतियों को अपने पर्सनल ग्रजेस जो आपने निकाले हैं उनको इस तरह शुगर कोटेड बातें करके कवर नहीं कर सकते हेलो ब्रदर हाँ तो ये तो सामने हुए ये लड़ाई क्या वाज प्लेइंग द जालिम हाकिम वाली लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रहा ये तो किसी और को रिपोर्ट कर रहा किससे बात है कि भाई बताओ कहता है कि यार मैं तो हाकिम बनने का वो था सीरियसली लोग खाना डिपेंडेंट है इस पे आप अपनी गलतियों को
अपने पर्सनल ग्रजेस जो आपने निकाले हैं उनको इस तरह शुगर कोटेड बातें करके कवर नहीं कर सकते। मैंने भी इशारा किया, कोई देख रहा था, मैंने कहा वहाँ की है। तो बताओ ना राशन टास्क के क्या, तो मैंने भी इशारा किया, बताया है। मैंने आखिर में जो कंफ्यूज हुई थी, मैंने कहा तुम लड़कों से बात करोगे, हूं की आवाज लड़के की आई है पीछे से। यहाँ पर किचन लो जी 1 2 3 भाई नेट का हम नहीं तो हो गए। अब अपनी अपनी बारी में देखें बेटे, पॉइंट्स तो कमाते रहने ना। हां आई नो, ये जो वीक नहीं वजारत लेस, तुम सारे बाहर बैठे हुए ठीक है। बजिया रूम से निकल के बाहर आई हूं और ये अंदर था और शायद अनम थी, पता नहीं अनम को लाला जो भी बकवास करता है। फिर उसके बाद सॉरी फिर कहता है कि तुम ऐसे नहीं करो ना कोई, फिर यार मैंने दूसरी बात नहीं सुनी, बस मैंने इतनी बात सुनी कि मैं भी पत्थरों को दिल नहीं लगाऊंगा, और मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। गार्डन ओके, बोल क्या रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था, उसको याद आ गया कि गार्डन है। गुड, बीच में खड़ी थी ना, बात की किसके बारे में कर रही थी वो तो बताओ। किसके बारे में? यू सेड इट, थैंक गॉड तुम्हें याद था। अनम के साथ बकवास करता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उसने बकवास का लफ्ज यूज किया है अनम के साथ। अभी सुन लेना बिकॉज़ आई नो आई व्हाट आई सेड मतलब व्हाट आई हर्ड। अनम के साथ बकवास एक लफ्ज आया बीच में, तू सुनना। अभी बकवास बैठ कर रहेगा, वो पॉइंट से कुछ नहीं है। अभी इसका क्यूट वाला दिखाया ना, इसके भी आएगा ना कोई, फिर इसको लेगा पता। या अल्लाह प्लीज सही वाला सोफा, बस पॉइंट आ जाए, बाद में बता दूंगी। नहीं नहीं मुझे पता चल गया, सुन लिया मैंने। इट वाज अबाउट यू। हां हां बकवास अनम के साथ करता ये था। नहीं नहीं मैंने कहा था जो भी बकवास करता है मतलब, वो तो मैंने पूरे तरीके से सुना ही नहीं है, लेकिन हां अभी ये वाली बात है। फ्री भी चला गया, पता नहीं क्या सी बात है। बकवास कर रहा है, मुझे तो यही सुनाई दिया और उसी वजह से मैंने सॉरी बोला है। ओ सॉरी। अच्छा नो सॉरी, उन्होंने बकवास कहने पे लाइक नहीं हुए इतना बड़ा मुंह। ये तो अगर बात अच्छी नहीं होगी तो बकवास ही होगी ना। नहीं हुए तुम सारे बाहर बैठे हुए। मैं अभी वॉशरूम से निकल के बाहर आई हूँ और ये अंदर था और शायद अनम थी, पता नहीं अनम को लाला जो भी बकवास करता है। फिर उसके बाद सॉरी फिर कहता है कि तुम ऐसे नहीं करो ना कोई, फिर यार मैंने दूसरी बात नहीं सुनी, बस मैंने इतनी बात सुनी कि मैं भी पत्थरों को दिल नहीं लगाऊंगा, और मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। अयाज तुम्हें नहीं याद ना ये सब, यही प्रॉब्लम है इससे दोस्ती करने का, तुम याद भी नहीं दिला सकते उसको कहाँ है। मुझे नहीं याद ना, वो खुद गई वहाँ पे। Doesn't remember anything ever. मुझे कसम से नहीं याद, कसम खुदा की नहीं याद। अकील किसके बारे में बात हो रही थी? यार तेरे बारे में। मुझे हल्की सी हिंट आई थी, मैंने कहा था बेडरूम के बारे में। ऐसे कोई रैंडम सी बात बोली थी जो कि मेरे कान में गई थी। मैंने तुम्हें क्या बोला था? L shape is this sofa. This is L shape sofa. मैंने तुझे तो तुमने क्यों नहीं भेजा मुझे वहां? Because इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, but most of your talks have been here. अनम को जो भी बकवास करके गए वॉशरूम। यार सुन ले, ऑडियो सही तरह सुनी है? अनम के साथ जो बकवास करता रहता है, मैं गुजरी तो देख रहा, हम जो शुगर लगाते रहते हैं उसको उसने कहा है। तुम्हें तो एक तो सुना स्लो साबुन है तुम्हारा। कौन सा वाला साबुन? तुम और मैं शुरू में गपशप जो हम लगाते हैं ना, वो उस चीज को कहा गया है। अब समझ आइए, वो असरी उधर बैठ गए। हां वो हंसने दो उसको, ये जब जहाँ भी बैठ बातें कर रहे थे उस टाइम भी पता मुझे। तभी तो पहले आया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसके नहीं करूँगी, मुझे निकाल दो। सात लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दिया। ये आपने तो अनफेयर तमाशा किया है, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप ये सफाई कर रहे हैं, आप सफाई मत करें। पागल खाने भी तो क्या, पागल खाने भी तो बोल रहे। मुझे निकाल दो तो मैंने कहा था भाई, ये मैंने ही कहा था मुझे निकाल दो। मुझे लगता है तुम पॉइंट लेके आओगे। हाँ ये फीलिंग है, तुम पॉइंट लेके आओगे। माई से मैं इधर काफी बात करता हूं, क्योंकि इनकी किचन टॉक्स बहुत होती थी माई की। बल्कि वही वाली थी, हम बैठे हुए थे। सोचो कैसे लगते जब ये करते हो, मना करते हो ना, उसको सहमत हो रहा था। हर अच्छा अच्छा मजे की बात, हर लड़की की मिमिक्री एक ही आवाज में करता है। ओ यस 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 40 पॉइंट आ गए। सात लोगों को मेरे
पर छोड़ दिया। ये आपने तो अनफेयर तमाशा किया है। सात लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दिया है। आप ये सफाई कर रहे हैं। मुझे कोई दुख नहीं है माही के जाने का। सही कहा था ना मैंने, झूठ तो नहीं कहा था। वो मेरे साथ फिर शुरू हुई है क्योंकि वजीहा और जोया वॉशरूम के अंदर चले गए थे। वो लगी रही मेरे बैग से, पता नहीं उसने क्या किया है। वजीहा को कह रही उसने मेरा बैग मूव किया। मैंने कहा साइमा मेरा बैग मूव नहीं करें, और फिर उसने मुझे वो चीज इग्नोर कर दी। बैग उसके पास पड़ा हुआ था, आपका बैग दोनों का वो साथ मूव किया। फिर वजीहा कहती पपीता के मुंह वाली मेरे मुंह लग रही है। मैंने कहा साइमा आप लुक्स पे कमेंट नहीं कर सकती। कह रही वो मुझे कह रही तुमने भी तो मेरे लुक्स पे कमेंट किया जब तुम और दानिया जेल में बैठे हुए थे। यहाँ था कैसे शिद्दत से हमने यहाँ बैठ के बात की थी, हमने वहाँ बैठ के बात की थी। शुरू हुई है लगी रही मेरे बैग से, पता नहीं उसने क्या किया है। वो जीहा को कह रही उसने मेरा बैग मूव किया। मैंने कहा साइमा मेरा बैग मूव नहीं करें, और फिर उसने मुझे वो चीज इग्नोर कर दी। आपका बैग उसके पास पड़ा हुआ था, आपका बैग दोनों का वो सारे जगह पे उसने मूव किया। फिर वो जीहा कहती पपीता के मुंह वाली मेरे मुंह लग रही है। मैंने कहा साइमा आप लुक्स पे कमेंट नहीं कर सकती। कह रही वो मुझे कह रही तुमने भी तो मेरे लुक्स पे कमेंट किया जब तुम और दानिया जेल में बैठे हुए थे। सांस भी नहीं ले रही। 80 points guys 80 points। आटा तो आ गया, मैंने कहा आटा तो आ गया। आटा तो आ गया, चाहिए हमें सब्जी और थोड़ा दूध, थोड़ा दूध चाय। चुप, छूट दीजिए, दानिया को छूट दीजिए। हमें उनसे पर्सनल कुछ नहीं है, उनको क्यों छूट दीजिए? और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत गंदा खेल रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। डर्टी प्ले कर रहा है। अब मैं और मानी नीचे बैठे हुए कह रहे हैं भाई साहब सोफे भी है बैठने के लिए। मेरे बारे में और एक्सक्यूज मी, यू कांट टेक द लाइमलाइट एवरी टाइम। नो दिस इज अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट मी नाउ। कुछ आदमी का ये सारे डायलॉग जो है ना सबके लिए मारते हैं। साइमा को छूट दी दिए, दानिया को छूट दी हुई है। हमें उनसे पर्सनल कुछ नहीं है। आयाज ने मिस कर दिया यार, तेरे बारे में वो देख रहा था। पहले मेरे बारे में थी, सेकंड तेरे बारे में थी। पहली मेरी और साइमा की बात थी, फिर तेरी बात थी। मैं जानी आपकी बात हो रही थी। मैं डर्टी खेल रहा हूं जी। उफ, ओले फौरन नाराज हो गया भाई। दूसरे हफ्ते की बात है यार, गार्डन में सही पहुंच गई थी लेकिन उधर नाराज हमें होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। 3 वोट आए मेरे पास आज सुबह भी। आप गुस्सा क्यों हो रही हो भाई? और आपको बुरा लग रहा है, आप छोड़ के उस जगह से चले जाओ। सारे क्यों चले जाएं? आपको बुरा लग रहा है, सब चले जाएं, मैं मुझे बुरा लग रहा है, ये क्या बात हुई भाई? हर बंदे के पास आके उसकी गॉसिपिंग करना, उसके खिलाफ गेम प्लान बनाना, ये मुझे नहीं पसंद। मेरे पास भी 3-4 दफ़ा आके इसने साइमा की बात की, तुम्हारी बात की, तो मुझे मेरे सामने क्यों कर रही है भाई? वो हर जगह जो है ना साइमा के साथ वो मेरा नाम जोड़ के ताकि सारे हम दोनों के खिलाफ हो जाए। गुड 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 गुड, आ गए पॉइंट। किचन में है ये, हम कुछ बना रहे थे, कुछ ना कुछ सालन या पराठे बन रहे हैं। सालन पराठे बन रहे हैं, सालन या पराठे साथ बन रहे हैं। किचन में ब्रो, ये किचन में ये 100% सुबह भी। आप गुस्सा क्यों हो रही हो भाई? आपको बुरा लग रहा है, आप छोड़ के जगह से चले जाओ। और अपना चेहरा देख रहे हो, क्यों चले जाएं? आपको बुरा लग रहा है, सब चले जाएं, मैं मुझे बुरा लग रहा है, ये क्या बात हुई भाई? हर बंदे के पास आके उसकी गॉसिपिंग करना, उसके खिलाफ गेम प्लान बनाना, ये मुझे नहीं पसंद। ये तो शुरू किए, शुरू पहला हफ्ता शुरू किए, तो चलो लफ्जों में कहती हूं। हाँ ये उसी वक्त की है, उसी वक्त की है, फर्स्ट सेकंड वीक उसी वक्त की है। आनंद को जब बोल रही होती है ना, पहले तो यूं फिरती है, यूं है ना, थोड़ी परेशान, खुश, सैड, एक्साइटेड, यूं करेगी नेल साथ साथ, नेल जैसे कर रही हूं। यार मैं बोर हो रही हूँ यार, मानी जी कुछ करे ना। फिर अचानक मेरे पे कुछ सस्ती सी जुगल लगाई गई। नहीं 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 भाई, हेलो, इतना बड़ा मुंह खुलता है उसका। बॉयज रूम,
इसकी मेरी इतनी नकलें उतारी हैं यार। गार्डन या डाइनिंग कहाँ कहाँ इसकी मैंने नकलें नहीं उतारी। नहीं नहीं इसकी नकलें मैंने बहुत उतारी हैं। ये कब की बात होगी? ये जब तो तुम लोग मुझे देख के बात तुम लोग को शॉक लगा यहां होगी। यार इतनी दफा तुमने बोला है तुम्हें तो काउंट भी नहीं होगी कि क्या होगा। अनम का कुछ पता नहीं चलता। अनम को जब बोल रही होती है ना पहले तो यूं फिरती है यूं है ना थोड़ी परेशान खुश यार मैं बोर हो रही हूँ यार। ओए हम सारे बैठे हैं आपने थी कोई बुरी बात नहीं की प्लीज बैठ जाए। बात मुझे भी बुरी बात ये मत घुमाए प्लीज। किस बात पे हो रही है? अगर तुम इतने शोर थे तो आगे बोलते जाने किचन में जाओ। जा सकते हो दरवाजा खोल के। मैं साईवा के लिए दरवाजा खोल के गई थी। उठा के दिखाओ मुझे। ठीक है जब तक मुझे ऊपर से आवाज नहीं आएगी मैं नहीं जाती कहीं। अगर मैं गलत हूँ मैंने कहा कि मैं मुशीर मैं हूँ आपकी मेरा हक बनता है। नुमान का मुशीर ये था ना। नुमान ने कभी किसी थर्ड पर्सन को बोला कि मेरे साथ चलो? नहीं बोला। ठीक है व्हाई दिस मैन इज डूइंग दिस। मैं गधी हूँ मैं गधा हूँ और मैं जेलस हूँ। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आके लोगों से जेलस होंगी। ओ माय गॉड कहाँ है ये कन्फेशन रूम हो रहा यहाँ पे? कन्फेशन रूम नहीं था टैंकी चौक था। ये गोल टैंकी चौक है। गोल टैंकी चौक है आओ कन्फेशन के यार मैं कह रहा हूं यहीं पे कहीं बैठे हुए थे। ये यहीं पे कहीं यहीं पे हुई। अच्छा चलो ये तो मैं खुद देख रहा था। मैं खुद यहां पे बैठा हूं। चलो देख लो। हां ये यही थी। मैं यहां पे बैठा हुआ था। मैंने एग्जैक्ट जगह कन्फेशन से थोड़ा सा बाहर निकलो ये बैठा हुआ था टैंकी चौक तो यही होगा ना। कन्फेशन रूम तो अजीब हो जाएगा। ठीक है सर मतलब यही जगह है ना तो ये होगा ना। उठा के दिखाओ मुझे। ठीक है जब तक मुझे ऊपर से आवाज नहीं आएगी मैं नहीं जाती कहीं। अगर मैं गलत हूँ मैंने कहा कि मैं मुशीर मैं हूँ आपकी मेरा हक बनता है। नुमान का मुशीर ये था ना। नुमान ने कभी किसी थर्ड पर्सन को बोला कि मेरे साथ चलो? नहीं बोला। ठीक है व्हाई दिस मैन इज डूइंग दिस। मैं इधर था मैंने कल सबको जुंगरू बोला उसको हो जाता है पावर ट्रिप। वैसे तो वो बनना नहीं चाहता था पर वो मुशावरत में भी हो जाता है उसको पावर ट्रिप। और मैंने खुद पीछे से मुझे पता लगा कि कितनी इन लोगों ने उसमें कोशिश होती है कि पावर आ गई तो क्या क्या यूज़ करें। वो बस देखना तुम्हारे अंडर ना। बेशक तुम उसको मशीन बिल्कुल बनाओ लेकिन तुम्हारे ऊपर ये ना कि तुमने पावर का गलत इस्तेमाल किया था। पावर ट्रिप क्या कहा इसने ऑडियो में? सर पकड़ के क्यों खड़ी हुई है? Spoken about this part. भाई गार्डन में हो सकता था। गार्डन में भी हो सकता था। ये बात क्या कर रही थी आप? हमें बात तो बताएं। नहीं, we never had a talk like this. Not with ये तुम्हारी आवाज़ थी अगली। Yeah. मैंने सीरियस इसलिए टारगेट किया था अकील मेयर ने कल सबको। Oh no! मैंने बोला माही से कर रही है। वैसे तो वो बनना नहीं चाहता था पर वो मुशावरत में भी हो जाता है उसको पावर ट्रिप। और मैंने खुद पीछे से मुझे पता लगा कि कितनी इन लोगों ने उसमें कोशिश होती है कि पावर आ गई तो क्या क्या यूज करें। मैंने कहा कि ये माही जब अंदर अभी कहा कि जब माही अंदर से जीत के आई थी तो यहाँ खड़े हो किचन में था किचन में की है बात अभी मैंने कहा तो उस वक्त बता देते आके। मैंने अभी बोला है आप फौरन भाग जाती हैं। मुझे पास इन लोगों ने बोला जब माही जीत के आई थी और माही ने मुझे यहाँ कहा जुम्मे वाला दिन था कि मुशीर हो और आपने उसको बर्तन धोते वक्त कहा कि आ जाएं मैं आपको कोई चीज बताती हूं। मेरे जाने के बाद ना मैं वहां थी तो मुझे नहीं हुआ। इफ इट्स अ राशन टास्क यू कम एंड टेल मी। मैं जाने के बाद क्या तूने क्या कन्फेशन रूम? मैंने कहा आप भाग गए। यू न्यू इट मुझे तो ये कंफर्म था। मैं एक बात यहां पे सच बताती हूं। फॉर मी दिस इज रियली अ टास्क। जिसने मेरे बारे में जो बोला आई एम नॉट इवन लिसनिंग बिकॉज दैट्स नॉट मी दैट्स देयर थिंग टू टॉक अबाउट एंड रिमेंबर वेयर इट इज। सो आई एम नॉट हियर गोइंग टू You know, like, अब फायदा नहीं आया तो उस वक्त बताओ अब फायदा नहीं। मैंने कहा ना पीछे से चली गई है। मैंने यहाँ पे कहा अभी मैंने नहीं सुनी। मैंने वजीहा से पूछा बस फिर आपने नहीं सुनी। मैंने कोई नहीं मैं रुकी हो गया हो गया हो गया। डोंट डू दिस आइदर कम देयर। क्या मैं साइमा तुम्हारे पास आई थी वहां बताने के लिए कि कन्फेशन रूम यहां यहां खड़ी हो? जब वो नहीं किया तो देन डोंट डू दिस एंड डोंट ट्राई टू एक्ट क्यूट। आई एम क्यूट माय सेल्फ। नो बट दैट्स रॉन्ग।
This is a Russian task, na? अच्छा ठीक है, अब आप मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कहा है ऐसी कोई बात नहीं की, आप इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रही हैं? तो मुझे कह रहे हो आप सुनती कहाँ हैं? ये कहा है इसने मुझे उस चीज से कि या तो आके बताओ वहाँ। तो मैंने ऐसा क्या कहा है? आप उस बात को इतना उठा रही है कि वो बैठ जाए, क्या कर रही है? कौन सी बात उठा रही हूँ? मैंने कहा आप चली गई, मुझे मैंने सबको कहा तो आप वहाँ चली गई ना, यू इसमें बहस की जरूरत ही नहीं। आई डिडंट वांट यू टू बी उर्दू में बात करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा। क्या उर्दू में बात करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो बस फिर ये बैठ जाए वहाँ पे। नहीं गलत बात है, ही डज दिस ऑल द टाइम। It's really difficult being nice to him. आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अब इन्होंने बात की है, उन्होंने वो वाली बात की है, उसके ऊपर ये इतना बात को बढ़ा। अरे दानिया जी, आपने इतनी कोई बुरी बात नहीं की। You should have gotten the Russian. आपने इतनी कोई बुरी बात नहीं की, प्लीज बैठ जाए। बात मुझे भी बुरी बात, ये मत घुमाए प्लीज। अकील किचन में जाओ। तो मैंने बोला ना, आप निकल गई ना वहां से। दिमाग नहीं है, प्लीज जाए। खामखा ऐसी बहस कर रही है, खामखा नहीं की है, खामखा तो बोलना मत। तुमने कहा ये यहाँ हुई थी, मुझे शोर है, आप सुनती नहीं है, और अब तुम उनसे कह रहे हो कि तुम इतने थे तो जाके बता देते। जितने तो एम्पैथेटिक बनते हो तुम नहीं हो। मेरी तबीयत सेट होना, ये टॉपिक दोबारा लाइएगा, मैं इतना आवाज नहीं बुलंद कर सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाइए यहाँ से। आई डोंट केयर कि आपको अजीब बातें मत करें, जाइए यहाँ से। आपके दोस्तों ने आपको क्यों नहीं बताया? आप यहाँ पे इस घर में दोस्त, इस तो आप मुझ पे क्यों चढ़ रही हैं? मुझ पे क्यों चढ़ रही हैं? आप मेरे ऊपर चढ़ रही हैं। जाइए ना यहाँ से। आप मेरे ऊपर चढ़ रही हैं। आपने बात की, अब आपसे कोई बात को घुमा रही हैं आप? मेरी बात कोई गलत थी नहीं। जाइए प्लीज। मेरी बात कोई गलत थी नहीं। यू आप कह रहे हैं कि आप शोर थे। अरे तो मैंने आवाज ही मैं भूल गया, तुम लोगों ने क्यों नहीं दी? नहीं अयाज, तुम लोगों ने क्यों नहीं दी? शोर था तो आके बताता ना। तुम लोगों ने क्यों नहीं दी? हम तक आवाज उनको नहीं बताता। तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि अकील ने आवाज दी है? ये उनको नहीं बताता। उनको पता है मैंने इनकी तरफ मुड़ के कहा। यार अभी चली जाए प्लीज। इसको तो बस ये कोई ना बनाए कल। थैंक यू सो मच। अकील वो खड़ी रही है यहाँ पे काफी देर, जब वो अंदर चलेगी फिर तूने कहा है, और उसकी भी हम तक आवाज नहीं पहुंची है। मेरी आवाज फिलहाल इतनी है यार, जानू नहीं पहुंची ना, हमें पता ही नहीं बात क्या। तो मैंने आगे, मेरी आवाज इतनी है। अरे दाने यहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ खड़ी हुई, तब कहता ना मेरे अंदर इतनी फिलहाल हिम्मत है जितनी बाकी है वो उतनी है जो मैंने कहा है। एक बात बताऊं, माही अगर वजीर बनती ना तो हुमना को फेवर्स बहुत मिलेंगे, हुमना फिर कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करती। वो जब वजीर बनता है तो बंदा करता है, अपने दोस्तों को लेवरेज दे देता। कौन था मेरे साथ? भाई तू सेक्शनल पे चला जा, ये वाले भी आ जा, इधर ही आ जा, तू जल्दी कर, वहां पे कभी तूने बात नहीं की। आपने हल्का सा बताना होता है कि ये किचन, तो उसको खुद सोचना होता है, या कोई भी चीज है वो सही जगह पे जा खड़ा हुआ, क्या करें हम? शोर करें हम? दानिया कह रही थी 40 पॉइंट ले गई तुम। नहीं लिविंग रूम था, मैं खुद रुकी रही। ऊंचा ऊंचा करूं शॉर्ट्स कुछ ले लूं? बताओ हम ले सकते हैं दोनों शॉर्ट्स के? 40 पॉइंट थे, चले गए आगे आगे आगे, अब बस आगे के हमने पॉइंट्स लेने, लेकिन हमारी दफा बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे ये, 40 पॉइंट हमने वेस्ट करा दिए भाई, हमने तो बताया भी था। मुझे भूख बहुत लग रही है, लेकिन क्या रात को मैंने डिसाइड कर लिया था, जोया आपने जो दिन बड़े ज्वेलरी पहने थे वो मुझे दे देना। अब वजिया ने मुझसे पूछा क्या पूछ रही हो बार बार, क्या पूछ रही हो बार बार? मैंने कहा यार मैंने उनसे ज्वेलरी मांगी है सिल्वर वाली 14 अगस्त के लिए, वो उन्होंने मुझे देनी है। मैं अभी बैठी हुई हूँ मेकअप रूम में, वजिया जोया ऐसे करके उसको साइड पर ले गई, बाहर निकली सारा ज्वेलरी पहन के। ये टंटन की आवाज आई है कहीं से? ये चाय वाय की, तुम ये किचन तो नहीं है? टंटन की आवाज आई है कहीं से पीछे से? नहीं ये है गार्डन,
गार्डन एरिया और ये साइड, यहाँ पे नुमान बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे शायद बात कर रही थी। साइमा ये तुम उधर गार्डन में खड़ी हो, किचन वो नहीं है? मुझे पता है, मुझे लगता है ये मैं बात कर रही थी नुमान से गार्डन में। पानी की बोतल भी हो सकती है? हाँ, यस। हाँ। अब ये देख रहे हैं, मुझे लगता है ये मैं आपसे बात कर, हाँ सही है, अगर आपको लग रहा है तो फिर आप वही करो जो आपको सही लग रहा है। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे भी क्लियर नहीं है, नहीं था शायद ये, नहीं नहीं बोतल भी हो सकती है पानी की, ये लफ्ज याद आ रहे हैं, आई गेस गार्डन है शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन बोतल भी गिर सकती है, सही कह रहे हो। रात इधर आ, इधर आ, चलो अच्छा पॉइंट्स आ गए। अब वजिया ने मुझसे पूछा क्या पूछ रही हो बार बार, क्या पूछ रही हो बार बार। मैंने कहा यार मैंने उनसे ज्वेलरी मांगी है सिल्वर वाली 14 अगस्त के लिए, वो उन्होंने मुझे देनी है। देखा मैं अभी बैठी हुई हूँ मेकअप रूम में, वजिया सोया ऐसे करके उसको साइड पे ले गई, बाहर निकली सारा ज्वेलरी पहन के। वजिया तुमने क्यों किया ऐसा? वेल डन, देखा ये इसलिए ज्यादा नहीं, वेल डन 240। हाँ ना, यही किया था इन्होंने मेरे साथ, उस दिन मैंने तमाशा किया था। कौन बच्चा वजीहा को निकाला था? हाँ, तो इसने कहा था कि मान जी को डाले बनाते हैं, इसने मेरे ऊपर वो हमला किया था, अनम ने कहा था मान जी को डाले बनाते हैं, फिर उस वक्त मैंने और माही ने कहा, हमने एक दूसरे को यूं कर दिया था, क्योंकि जब इसने कहा ना कि मान जी को बनाते हैं, हमने अनम डिसाइड कर लिया था, इसलिए हम अनम के पीछे ही थे, इसलिए नॉर्मली यहाँ पे बैठते हो normally, I'm not sure, but इधर नहीं, इसके पीछे करके थोड़ा सा, नहीं I literally don't know किसके बारे में बात की है, मैं बीन बैग वाले एरिया पे कह रहा था। हाँ तो यही तो है, टंकी चौकी है ना, मेरे बारे में बात की है, ये टंकी चौकी तो कहलाएगा, टंकी चौक आएगा सहमानी, यहाँ बात किसी टाइम में टंकी चौक पे खड़ी हुई थी। आपने उठाई क्यों है? जब अयाज भाई रख रहे थे तो आपने उठाई क्यों है ना, बॉक्स से निकाली है। डू नॉट टॉक टू मी एनी मोर, जाए आप, कि तुम्हारी आप मुझे, आप मुझे अपना डिप्रेशन मत दें, आप मुझे अपना डिप्रेशन मत दें पहली बात, और दूसरी बात आप मुझसे जो ना गलत जवाब मत दें। ये कहाँ रखी हुई थी, मैं ये पूछ रही हूँ भाई, वो जब उठा रहे थे रखने के लिए, ये भी मैंने वहां से निकाली है। साइमा मैं तुम्हारा काम नहीं, आप मत करें काम, आपको मैं इतने दिनों से कह रही हूँ, आप खुद मेरे पीछे पड़ती हो, उसके बाद आप कहती है साइमा मैं नहीं करूंगी, डू नॉट बी पॉलिटिकल विद मी अनम, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आप ऐसा पॉलिटिकल मत होइए, और पूछ आप खुद मेरे पीछे पड़ती हैं कि मैं आपका ये काम करूं, मैं दवाई, मैं अपनी जब मैं दवाई आपको हाँ करती हूँ फिर आप मुझे चार बातें सुनाती हैं, मैंने कोई चार बातें घर पे नहीं यार आपको, मैं बीमारी में भी अपना काम खुद कर रही हूँ, और अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे, यार हद हो गई है, कर लूंगी मैं। अरसलान, हुमना, नुमान और साइमा, अगर आप लोग ना होते तो ये सब भूखे रहते, ये 320 पॉइंट इन्होंने ही कमाए हैं, अंदर से वाइट बोर्ड ले आए, आटा 10 किलो 70 देख दो, 10 किलो 70 लिखो, चीनी 1 किलो 20, दालें 1 किलो, चीनी 1 किलो, पहले राइस, राइस बताओ 30 30 90 वो लिखता है 30 60 है, चावल 1 किलो 30 का है, हां 5 किलो करने हैं, 5 किलो सर ना 150 के हो जाएंगे, बहुत ज्यादा है, 3 किलो कर दो, 5 किलो चावल करो तो 150 पॉइंट्स बनते हैं, 30 का है, नहीं नहीं 30 का है, दो किलो चावल 1 किलो 30 का है, 30 60 90 120 30 150 5 केजी करो, पहले पीछे वाला तो क्लियर करो, दालें दालें 1 किलो 30 की है, दालें बताओ मिक्स दालें 1 किलो 30 की, आप 75 की 3 केजी लिख दो, 25 की है, 25 की है, 120 मिक्स दालें, शुगर 220 220 ये ऑलमोस्ट पूरे होने लगे हैं पैसे, दूध 2 किलो, राइस 30, राइस कम करो 3 केजी करो, 5 किलो 70 की है,
राइस 3 kg करो। और फिर कितने रह गए? 3 लीटर कर दो। 15 रुपए रह गए। 15 रुपए 3 लीटर का काउंट नहीं है ना, 2 लीटर का 40 पॉइंट 45 हो जाएगा ना, कर लेंगे काउंट में, कर लेंगे ऐसे ही होता है, काउंट होता है। 15 रुपए का है, 1 किलो आटा 15 रुपए का है। अरे नहीं नहीं, पैसे ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। एक 160 160। और किधर लिखा है ये रहा यार, बेसन 1 किलो 15 रुपए नहीं बचे, नहीं तो पॉइंट नहीं बच रहे ना, नहीं बचे। दूध कम किया है ना, कितने हुए, पूरे हो गए 200 कुछ आए, 320 में 20 मिला, क्या कर लेंगे एक हिसाब पे खड़ा रहता ना प्रॉपर, 350 दिमाग ही है यार इतना बंद हो गया। तो डाइटिंग का दौर आ गया है, बोर्ड आप रख दीजिए प्लीज, और इसमें आप करेंगे अब फाके, कैसे गुजारा करेंगे इस पे। दो दिन माही जीत जाती है टास्क, माही मुझे लगता है तुम होती ना तो मेरे टास्क में हम ऐसा दबा दब जिताती ना, माही जीत जाती, माही की माशाल्लाह ये मेमोरी बहुत मेरी अपनी दो बातें तो मुझे लिटरली मेरे दिमाग से बिल्कुल टाइम तो देखो कौन सा हो रहा था उन बातों में, कुछ गलत बात नहीं कही हमने, जो थी जिनके वो जो बातें कही है वो उनके मुँह पे भी कही हुई है। लाइक अरसलान नोस, आई डोंट नो इतना उसको वो नहीं होगा, लेकिन उस अरसलान को मैंने बोला था आई एम अनकंफर्टेबल अराउंड योर सराउंड। मैं फेल हो चुका हूँ अनम को समझा के, मेरी माजत कबूल कीजिए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई तू समझाता क्यों है, जब तूने उसी सर्कल में घूमना है। क्या करूं मैं यार, मैं समझाता हूं कि यार चल अनम को समझा रहा है, मतलब साइमा तंग आ गई उससे, इमेजिन कर साइमा मुझे कह रही है कि मैं थक गई हूं भाई, मैं बीमार हो गई हूं उस बंदी से बात कर लेकिन मैं फिर भी समझाता रहता हूं, मेरी प्यारी अच्छी दोस्त थी, मैं अभी भी कह रहा हूं समझ जाओ, बातों को मजाक को मजाक की तरह अनम के लिए एक स्टेप करना चाहता हूं, मजाक जो है बहुत लंबा लेके चले जाते हो, 3-3 दिन मुझे उस पे तंग करते हो, वो देखते तो ऐसा क्यों करते हो, मजाक बस कहती 1 घंटा का हो, 1 घंटे बाद चला जा। मैंने कहा लिस्ट दे दो, आवाज नहीं आ रही है, लिस्ट में देख मेरे बारे में, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं कर रहा, ऐसे देखूंगा 3-4 दिन। यार ठीक है, आप टेंशन में हो, आपको एंजाइटी हो रही है, हम भी टेंशन में, हमें भी प्रॉब्लम्स है, हम एंजाइटी वगैरह क्या यार, दूसरों का दिमाग खाना कांस्टेंटली बोले जाती है, एक को छोड़ेगी दूसरे को पकड़ लेगी, दूसरे को छोड़ेगी तीसरे को पकड़ लेगी। मैं तुम्हें कह तो रही हूं कि तुम यहां से बाहर जाके कुछ सब कुछ सही कर सकती हो, अभी शो के अंदर, शो के अंदर तुम्हें पता है कि फीलिंग है इस लाइक, तुम्हें पता है ना शो के अंदर माही और तुम भी अगर होते इन द एंड और जुनैद भी होता तो किसी एक ने ही जीतना था, तुम गिल्टी कैसे हो सकती हो, मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, वो तो मुझे पता है, लुक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो, यस, और यहां पे आप लाइक दोस्तियां मनाना नहीं आए हो, बट यू कांट हेल्प गरीबो, कोई बात नहीं, पूरे उठा के ले जा, तू पूरा ले जा, मैं वो ले जाता हूं, मैं मरीज हूं ना यार, तो कभी तो बर्थडे के तो किया करे यार, यार चलेंगे नाम तो फिर आ गए, चलो कोई बात नहीं भाई, जो आ गया लड़कियों, आइंदा कभी भी आपकी किसी से भी अल्लाह ना करे कभी बाकी के 14 दिन हंसी खुशी निकल जाए इस घर में, अलबत्ता किसी से बहस भी होती है तो प्लीज़ जेंडर, यार वो तो वजिया भी लाती है, तुम लोग उसको भी बोला करो ना यार, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मैं उसको अलग से समझा दूंगा ना, नहीं तो तुम मैं उसको अलग से समझा दूंगा, बोलते रहते हो, मैं क्या हर वक्त ही करती रहती हूँ, नहीं हर वक्त नहीं करती, नहीं हर वक्त नहीं किया, मैंने भाई हर वक्त नहीं किया, सुन लेंगी आप, मैंने क्या कहा, मैं कितना अच्छा स्टार्ट लिया, मैंने कहा अल्लाह करे खुश रहे, लड़ाई ना हो, आप अगेन वही की लड़ाई होगी तो मैं नहीं, मैंने बोला हर वक्त नहीं किया मैंने, ये एक ऐसा सीरियस टॉपिक है, अगर ये मजाक बन गया तो ये आप मजाक मुझे ना बनाना है ना, तुम इसको हाईलाइट करो, इस टॉपिक को खत्म करो, तो आप आगे यू यूज नहीं करेंगी वर्ड्स तो मैं रोक देता हूं, कर रही तो आप खत्म, बट आई एम गोना यूज इट अगेन एंड अगेन, इफ यू क्यों आप यूज कर रहे हो, अगर आप यूज करोगे तो मैं भी यूज करूंगा, मैं आप पे तो नहीं यूज कर रही, आप किसी पे भी कर सकते हो, मैंने बोला आप किसी पे भी कर सकते हो, हम डरे हुए, हम डरे हुए सब, डरे हुए की क्या बात है, आप कोई भी बात करो, मैं कभी ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगी, एक बात इतना इतना ऑफ डेविएट करती है कि हम डर जाते हैं कि आप कहीं भी कॉन्फिडेंस ले आती है, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई हमारे घर वाले हैं, हम अपने बच्चों का ब्रेड बटर कमाते हैं, हमारी फैमिली है, मैं भी कोई कल्ली नहीं हूं भाई, मेरे भी घर वाले हैं, और भाई देखो मैं सिंपल सी बात है, आज मैं एक बाप हूं, मैं एक बेटा हूं, ठीक है, मेरे घर में 2 खवातीन है, ठीक है, मैं उनका उनको भी मैंने मुंह दिखा, लेकिन मैं तो आपके घर में नहीं हूँ ना, आप मेरे घर में नहीं है, लेकिन आवाज मैंने ऊंची की आपसे, यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, अगर कोई मुझ पे आवाज ऊंची करेगा यार, खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अनम आवाज ऊंची करने से किसी का रुतबा कम नहीं होता, औरत का रुतबा मर्द से बहुत ऊपर है, तो फिर आवाज ऊंची क्यों कर रहे हो तुम, नहीं
जिसकी भी बात हो रही है, कोई गलती करेगा लड़ेगा तो आवाज ऊंची होगी, वो एक पर्सन टू पर्सन होता है, वो जेंडर टू जेंडर नहीं होता। तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो ना, सबके लिए कह रही हो, बट आप किसी को ट्रिगर करोगे तो अपना पेशेंस लूज करेगा ना। आपको पूरी कहानी सुनाई है। अच्छा, आपने किसी को ट्रिगर, आप जिन दिन पे चिल्लाए हो आपने फिर वो जेंडर कार्ड खेला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब वो भी नहीं खेल रहा ना यार, जो मुझे फील हुआ मैंने बोला। हमारे लिए इस घर में सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, लड़के लड़की हम सब बराबर हैं। यार अकील तुम ना कूदो इसमें, प्लीज, ऑलरेडी बात हो रही है, मैं माइनॉरिटी में बैठी हूँ उस वक्त, आप मेजोरिटी में, फिर बात हो रही है, तो तुम नहीं कूदो ना यार, बात मेरी उससे हो रही है। आपको बात करनी है जिससे बात करें, सॉरी भाई, बात नहीं करनी ना करें, गलती हो गई नौमी भाई मेरे से, बहुत बड़ी, जिससे आपको मजाक अच्छा नहीं लगता आप मजाक ना करें। अलबत्ता इस तरह के भारी वर्ड्स, भारी लाइंस, यार तुम मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि सारी गलती मेरी है? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, गलती की बात नहीं कर रहा। तुमने दो दफा ये बात बोली है, तुमने मुझे अभी, तुमने मुझे पहले, दुनिया की नजरों में तुम मुझे गंदा कर रहे हो। गंदा करने की बात नहीं रही। हो रही है यहाँ पे ना, वो सारी चीजें डिस्कस हो रही है। मैं अकेली नहीं कर रही, वो बजिया भी कर रही है, बजिया ने भी बात फील की है तो बोली है ना, तो उससे भी जाके पूछो। बजिया ने मुझे तो कभी इस तरह नहीं बोला, मर्द नहीं बोला होगा, रसलान को उसने बोला है। हमने यार क्या हो गया यार, तुम्हारी हंसी का बटन बजिया ने ऑफ किया है, तुम्हें पता तो है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं पूछूं, बजिया ने ऑफ किया है? नहीं, वो ऑन करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आई तो अकेली थी ना उमना? हाँ जब आई थी तो बहुत ही खामोश थी। नहीं, एक रात की प्रैक्टिस कर लो, आज पटे हैं ना सारे। अभी फील करो, अभी आई हो और अकेली और हो। फिर से तुम्हें मिंगल करना हो जाओगी। बात ही बिल्कुल सही कह रही है, आज का दिन थोड़ा होगा, ऑफ कोर्स सही हो जाओ। आज हम दोपहर में कह रहे थे कि हमने से तो एक कम हो जाएगा, सब यहाँ पे टेबल पे माही और जनेद थे। हाँ, तब हमें लग रहा था कम है। और तब हमने बात की थी कि अब हम आधे रह जाएंगे। किसी ने माही और जनेद कहा था प्रेडिक्शन पे? घर में सभी लोग इस वक्त खतरे के घर में मौजूद हैं। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए ARY ZAP ऐप पे जाकर उन्हें वोट कीजिए और उन्हें खतरे के घर से बचा लीजिए। आप देख रहे हैं पेंटीन तमाशा सीजन 3, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगोटेल।